नमस्कार साथ आपके, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लगातार विनेश फोगाट। इन दोनों चर्चाओं में छाई हुई है, जब से 100 ग्राम जब उनका वजन बढ़ा था जिसकी वजह से वो मेडल नहीं जीत पाई, तो उसके बाद से लगातार चर्चाओं में एक महीने का वक्त हो गया। अब कल उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, क्या कुछ इस मामले में और ज्यादा अपडेट है आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवान विनेश फोगाट को लेकर शनिवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को ओलंपिक में क्वालिफाई करने से पहले बेईमानी करके जिताया गया था और इसका परिणाम भगवान ने उन्हें ओलंपिक में दे दिया। उन्होंने मीडिया को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में वजन नहीं दे सकता है, ये कुश्ती का नियम है। विनेश ने एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल किया, वजन लेने के बाद 5 घंटे तक कुश्ती को रुकवाए रखा। पहली कुश्ती 53 किलोग्राम वर्ग में 10-0 से हार गई, फिर 50 किलोग्राम में कुश्ती लड़ा, उस समय 5-0 का स्कोर था, शिवानी पवार कुश्ती जीत रही थी। इसके बाद हंगामा खड़ा किया गया, रेलवे की रेफरी ने बेईमानी करके विनेश को जितवाया। बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे फिलहाल उसकी जांच चल रही, लेकिन मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। इन पहलवानों ने मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सरकारदार है, आज काफी चीजें निकल कर बाहर आ गई है। जब अदालत इस मामले में फैसला आएगा तो और भी चीजें निकल कर सामने आ जाएंगी। विनेश के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो मैं विनेश के खिलाफ प्रचार जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है, हमारी पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन अगर मुझे कहा जाए तो मैं जरूर जाऊंगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने, मतलब विनेश ने, मेरा नुकसान किया, खेल का नुकसान किया, इन लोगों ने महिला खिलाड़ियों का भी अपमान किया है। कांग्रेस जैसी पार्टी लड़कियों का सहारा लेकर राजनीति कर रही, मैंने किसी लड़की का अपमान कभी नहीं किया। लड़कियों का अपमान कांग्रेस ने किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट इतिहास रचते हुए 50 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल मुकाबले से ठीक पहले जब उनका वजन नियम के तहत 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था। हालांकि विनेश फोगाट ने इस वजन को कम करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका वजन तय पैमाने के अंदर नहीं आ पाया। इस वजह से ही उन्हें फाइनल मुकाबला खेलने से रोक दिया गया था, साथ ही साथ पेरिस ओलंपिक से भी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। विनेश फोगाट को हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, उन्होंने जो है उन्हें कांग्रेस से जुलाना से टिकट दिया है। आपको बता दें विनेश फोगाट ने बजरंग पूनिया के साथ में शुक्रवार को औपचारिक तौर पर कांग्रेस की सदस्यता हासिल की थी, इसके बाद ही कांग्रेस ने दोनों पहलवानों को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और आपके लिए ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है, कमेंट के जरिए बताएं। नमस्कार।